तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडेज के ना दो लॉज हैं। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। उसने कहा था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट का, उसने ये नहीं कहा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, चेंज होगा, तब तक उसमें करंट या ईएमएफ पैदा होगी। क्लियर है यहां तक? तो उसने ये नहीं कहा कितनी, उसने कहा बस चेंज हुआ तो ईएमएफ पैदा होगी। तो ये फर्स्ट लॉ है, तो ठीक लिख रहे हैं। और ये भी लिख रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तब तक रहेगा जब तक वो चेंज फ्लक्स होता रहेगा। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो इंड्यूस करंट या ईएमएफ भी होनी बंद हो जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल कि अगर आप सपोज करो एक क्वाइल ले, मेरा पहला एग्जांपल यही है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है पर आपने क्वाइल ले ली, क्वाइल को आपने घुमाना शुरू किया तो फ्लक्स ज्यादा से लेके कम से लेके ज्यादा लेके कम ले ऐसे चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में इंड्यूस करंट या ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा और बेटर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैग्नेट इसके पास लेके आऊं, मैग्नेट का कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल कैसे भी, तो अगर मैं सपोज ऐसे लूं कि ये मेरे पास एक लूप है और एक मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे होती हैं। तो जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो इसका फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में एंटर करना स्टार्ट करेंगे लूप में। तो जैसे ही इसका फ्लक्स चेंज होगा इसमें फिर से करंट या ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो यही तो फेराडेज फर्स्ट लॉ है कि अगर आप इस मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं इस लूप का फ्लक्स बढ़ेगा इसमें करंट पैदा होगा, और अगर आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो इसका फ्लक्स अब बढ़ने की बजाय कम होगा तो भी इसमें करंट पैदा होगा। आपको डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस है डायरेक्शन में, हो सकता है ऐसा हो जाए, अभी हम डिस्कस करेंगे। जब आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज करंट पैदा करे और जब दूर लेके जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, वो फर्क हो सकता है बट करंट तो पैदा होगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये फेराडेस का फर्स्ट लॉ है। अब दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बताता है कि फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट जो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज EMF induced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. तो EMF is proportional to d phi by dt. तो rate of change of magnetic flux यानी कि अगर आपका flux बहुत ज्यादा change हो रहा है, जैसे एक coil का flux अभी 100 है, 100 से 0 हो गया, या कोई 200 से जीरो कर देता है, कोई 1000 से जीरो कर देता है, तो डी फाइव बहुत बड़ा है या डेल्टा फाइव बहुत बड़ा है। तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा, डी फाइव बड़ा है, तो ईएमएफ उतनी ही ज्यादा चेंज होगी या इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा जनरेट होगी। कोई कहता है मेरे पास तो बी बड़ा है ही नहीं, मेरे पास तो चल है ही 10 टेस्ला की वैल्यू, बट 10 लाइन है मेरे पास, तो क्या मैं ज्यादा करंट पैदा कर नहीं पाऊंगा? कर पाएगा। तो उसको तेज घुमा ले, तो फ्लक्स को 10 से 0 घुमाने में टाइम मत लेना, बहुत तेज 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 घुमाना, इससे तेरा टाइम कम होगा तो ईएमएफ तब भी ज्यादा जनरेट होगी। तो यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ ज्यादा, और फ्लक्स ज्यादा चेंज नहीं हो रहा लेकिन जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ ज्यादा। तो डैम के ऊपर आपको क्या लगता है, मैग्नेट्स पड़ी हुई हैं तो आपको डैम जितनी मैग्नेट्स हैं, नहीं, मैग्नेट्स तो ठीक है पर स्पीड कॉइल के घूमने की बहुत ज्यादा है क्योंकि डैम का पानी के ऊपर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो टर्बाइन और उसकी ब्लेड बहुत तेज घूमते हैं, और जब बहुत तेज घूमते हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम टेकन बहुत कम है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ईएमएफ बहुत ज्यादा है। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है 220, वो यही आती है कि ऊपर टर्बाइन घूम के फटाफट फटाफट क्या जनरेट कर रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है। और यहाँ पर कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया डी फाई बाई डी टी, पर इसमें फॉर्मूले में एक साइन नेगेटिव लगता है। अब मैं आंसर दूंगा ये नेगेटिव क्यों लगता है, डायरेक्शन की वजह से लगता है,
इसकी एक्सप्लेनेशन अभी डिस्कस करेंगे, इसमें लेंज लॉ आएगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसकी एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन उससे पहले इसके अंदर इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आप एक मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो ठीक है, इसमें करंट या ईएमएफ पैदा होती है। आप मैग्नेट को तेज पास लेके आ रहे हैं तो टाइम टेकन आपने रिड्यूस कर दिया तो ईएमएफ उतनी ज्यादा। आप तेज पास लेके आ रहे हैं करंट ज्यादा, आप स्लो पास लेके आ रहे हैं करंट कम। सिंपल, कि टाइम टेकन पे भी सब कुछ डिपेंड करता है, आपने फ्लक्स इतनी जल्दी चेंज किया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, इसमें 100 लाइन से 0 लाइंस हो रही हैं, पर 100 से 0 लाइंस 2 सेकंड में हो रही हैं, लेकिन 100 से 0 लाइन 0.2 सेकंड में हो रही हैं, तो फ्लक्स 0.2 में ज्यादा, तो करंट पैदा जो होगा 0.2 के हिसाब से ज्यादा। क्लियर है यहां? तो ये आपकी फैराडे की क्या है, सेकेंड लॉ, ये मैंने बता दिया। अब मैंने बताना है कि माइनस साइन क्यों लगता है, और इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब मैग्नेट जो है वो मूव फास्टर, जब वो तेज मूव करेगा तो क्या होगा, और जब वो स्लो मूव करेगा तो क्या होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। और अब हम करेंगे लेंस लॉ।